Bismillahir Rahmanir Rahim. On the demand of Salamuddin Sheikh from Subhas and Bose Open University, Kolkata. And this problem is also belong to IIT-JEE Entrance Examination. Problem hai ye. Find the value of limit extends 0, integration 0 to x t log integrate under root 1 plus t square dt upon mein hai x square. To is problem ko hum log yani limit ko solve kar sakte hain dl hospital rule yani L'Hopital rule ko apply karke solve kar sakte hain. To pehle check karna hoga ki yahan par ye form kaun si ban rahi hai, kyunki jab form 0.0 hoti hai tabhi L'Hopital rule yani dl hospital rule ko yahan par अप्लाई कर सकते हैं. तो देखने कि x बराबर अगर डिनोमिनेटर में 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और x यहां 0 रखेंगे तो अपर और लोअर लिमिट सेम होने की वजह से इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, फंक्शन कुछ भी हो. तो ऐसे में ये फॉर्म जो है वो चेक करें कि 0.0 है. जब 0.0 है तो यहां पर L'Hopital रूल को अप्लाई कर सकते हैं. तो यहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल को यानी अप्लाई करने पर हमको मिलेगा ये, यानी पहले तो हम अपनी प्रॉब्लम लिखेंगे जो है लिमिट एक्सटेंड्स 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू फ्रॉम 0 टू x t इनटू log ऑफ 1 प्लस t इन रूट 1 प्लस t स्क्वायर बेस ही है यहां पर dt अपॉन में x स्क्वायर. अब हम लोग जानते हैं डीएल हॉस्पिटल रूल में कि अगर फॉर्म 0.0 बन रही है या इनफिनिटी अपॉन इनफिनिटी हो, फिलहाल यहां पर 0.0 है, तो न्यूमरेटर का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में. यहां पर तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा, तो जो कि पहले से इंटीग्रेट हो रहा है t के रिस्पेक्ट में log 1 प्लस का t स्क्वायर dt अपॉन, और डिफरेंशिएशन यहां पर हमारा जो डिनोमिनेटर है उसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा x स्क्वायर. न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन में हमें अप्लाई करना पड़ेगी लेबनिस रूल फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन. तो उसके लिए फार्मूला यहां पर बता दे रहे हैं, यानी जिसका यूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के साइन के अंडर में हमें डिफरेंशिएशन करना है. तो से अप्लाई कर सॉल्व करने से पहले हम यहां पर लेबनिट्स रूल बता दें फॉर लेबनिट्स रूल फॉर द डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन. इंटीग्रल साइन के अंदर में डिफरेंशिएशन करना, तो माना कि डिफरेंशिएशन करना है हमको इस इंटीग्रल में, जिसमें फंक्शन माना कि फंक्शन जो है वो कोई भी लिमिट है यहां पर फाई एक्स, यानी एक्स का कोई फंक्शन है, एक्स की कोई लिमिट है, वेरिएबल हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है. फंक्शन यहां पर fx t का फंक्शन है जो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, लेकिन जब लिमिट रखी जाएगी तो ये टोटल वैल्यू x का फंक्शन होगा जिसको x के रिस्पेक्ट में यहां पर डिफरेंशिएशन करना है. तो इसकी वैल्यू लेबनिस रूल से ये लिखेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे हम ये. बस ये ध्यान देने की जरूरत है यहां पर tf जो है वो t का ही फंक्शन हो, तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. तो यहां पर सबसे पहले हम जो अपर लिमिट है उसको डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, और फिर पूरे फंक्शन में जहां पर भी t है वहां पर यही अपर लिमिट रखना होगी, यानी f फाई x रखनी होगी माइनस, इसके बाद माइनस जो हमने नीचे लिख लिया है सेम डिफरेंशिएशन करना होगा लोअर लिमिट जो भी है फाई एक्स का, और मल्टीप्लाई में कर दें
फंक्शन में जहाँ पर भी एक्स मिलेगा वहाँ पर एक्स की जगह पर ये लोअर लिमिट जो भी है वो रख दें, यानी टी की जगह पर फाई एक्स रख दिया जाएगा, फाई एक्स। तो बस इस फार्मूले का यूज़ कर देंगे और वहाँ पर हम इस इंटीग्रल को, इस लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में ये काम करना है। डिनोमिनेटर में तो आसानी से हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, वो तो लिख दिया। और ऐसे ही अभी जो आपने फार्मूला बताया था वो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ये देख लें, चेक कर लें कि 1+t² यानी ये टी का ही फंक्शन है टोटल। ऐसे केस में लिमिट ये एक्स की माने और पहले डिफरेंशिएशन करें हम एक्स के रिस्पेक्ट में ये अपर लिमिट का, और मल्टीप्लाई कर दें पूरे इसमें जहाँ पर भी हमको टी मिले वहाँ पर अपर लिमिट रख दें, यानी एक्स रख दें टी की जगह पर। तो एक्स इंटू लॉग अंडर रूट 1+x² माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ ज़ीरो है, ज़ीरो रखेंगे, इंटू में पूरे इसमें जहाँ पर भी हमें टी मिलेगा वहाँ पर टी की यहाँ लोअर लिमिट रख दी जाएगी, ज़ीरो रख दी जाएगी, ज़ीरो इंटू लॉग अंडर रूट 1+0² फिर अब हमें आगे इसको सॉल्व करने के लिए आगे चलना चाहिए। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, और ये हम पहले लिख दें लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो ये तो 1 हो गया, इंटू, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट 1+x², और 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये 0 है और ये लॉग 1 बन जाएगा, लॉग 1 की वैल्यू भी 0 होती है, अपान में 2x है। तो लिमिट एक्स टेंस 0, न्यूमरेटर में सिर्फ ये टर्म बचा है एक्स लॉग एंड रूट 1+x² होल अपान में 2x है, 2x एक्स कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पर लिमिट हटा दीजिए और जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर उसकी वैल्यू यानी 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बचा है ओनली लॉग अंडर रूट 1+x के यहाँ 0 रख दिया, अपान में ये 2 बचा वो लिख दिया, 0 का स्क्वायर 0 होगा और 1 में जुड़ेगा तो 1 आ गया, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 1 अपान में 2 आया, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है अपान में 2 यानी 0 हो जाएगी, और इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग। आखिर दावाना अलहमदिल्ला रबिल।